क्या कह रहे हैं भैया? कमलनाथ वो बहू है जो चूड़ियां ज्यादा बनाती है और रोटी कम बनाती है। अच्छा, ज्यादा बजाती है, रोटी कम बनाती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि 43 साल से चूड़ियां बज रही है और उनके कार्यकर्ता जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे, उनकी खनकार सुन के जाते हैं, बस वही रीजन है। कमलनाथ जी का वही है कि यहाँ की जनता को ने 43 साल से ठगा है। निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, छिंदवाड़ा मॉडल भी बना है। किसकी देन है? भाजपा की सरकार की देन है। जो भी योजनाएं आई है 43 सालों में, जिस जो ओपनिंग हुई है, माचागोरा डैम का ओपनिंग किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। मेडिकल कॉलेज जो बना उसका किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। जो ओवर ब्रिज बना है अपनी खजरी रोड पर उसका किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। और कमलनाथ जी आते हैं और उसको बोलते कि ये सब मैंने करवाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी जो है वो आते हैं छिंदवाड़ा में, चूड़ियां बजाते हैं और रोटियां कम बजाते हैं, बनाते हैं। आप छिंदवाड़ा के युवा हैं, बिल्कुल युवा हैं, और 43 सालों में कुछ दिया नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग, कुछ नहीं है? एक भी उद्योग नहीं है कमलनाथ जी का, एक भी फैक्ट्री नहीं है। मैं तो बेरोजगार हूँ भाई, जो भी है मेहनत कर रहा हूँ, अगर होगा तो मिलेगा। बाकी कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे स्किल सेंटर खोले, उन्हें बताते कि छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है पूरे भारत में जहाँ सबसे ज्यादा स्किल सेंटर है। आप बता दीजिए इतने बेरोजगार लड़कों में से किसने जाके वहाँ ट्रेनिंग की और किसको रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला। नाम मात्र का है मात्र कि यहाँ पे स्किल सेंटर है, ये स्किल सेंटर है, और स्किल सेंटर के जो भी वो हैं संचालक हैं सब उनके ही हैं कि भाई वो उनको कमीशन सेट कर देते हैं, उसके माध्यम से स्किल सेंटर चल रहे हैं। जब वो सीएम थे तो उनका प्रेशर था, तो उनके माध्यम से योजनाएं चल रही थी, लेकिन किसी को अब तक रोजगार क्यों नहीं मिला? 43 साल में तो आप भी युवा है, मैं भी युवा हूं भैया, 43 साल में तो सूरत बदल जाती है क्षेत्र की। सूरत अगर जिसको बदलना है ना, उसके लिए 43 साल नहीं 43 दिन मायने रखते हैं, ठीक है? उनने क्या बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 15 महीने मतलब कितना टाइम हो गया? 450 डेज। 450 डेज में कर्ज माफ नहीं हुआ और उनने क्या बोले थे कि 10 दिन में कर देंगे। 43 साल नहीं 43 दिन की बात करो। अब बंटी भैया आ रहे हैं, या जो विकास होगा छिंदवाड़ा जिले के लिए, जो भी योजनाएं संचालित होंगी उसको देखना आप आगे के समय में। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी का इस बार सूपड़ा साफ है, 43 साल का जो हिसाब है। अब 43 साल बहुत होते हैं, बोल रहे हैं आप गढ़ है, गढ़ नहीं सब गड़बड़ है यहाँ। तो हिसाब जो है पूरा जनता 43 साल का 43 दिन में लिख के उनको दे देगी। अच्छा, मामा ने क्या दे दिया? चलिए हम कहते हैं भाई कमलनाथ जी ने 43 सालों में कुछ नहीं दिया। आप युवा है, छिंदवाड़ा का युवा है भैया, और युवा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी क्षेत्र का। मामा ने क्या दे दिया? निश्चित तौर पे कोई भी सरकार सारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और सारी दुनिया जानती है कि जितनी भारत में पॉपुलेशन हो गई है उसके हिसाब से हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट जॉब्स इतनी अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है भाई, कि कहाँ से रोजगार मिल जाएगा। तो जो पढ़ेगा निश्चित तौर पर वो बढ़ेगा। बोले भाई ने 85% बनाया, उसको स्कूटी मिली ना। तो कोई भी सरकार इतना नहीं कर सकती कि सभी को रोजगार मिल जाए। एक अवसर प्रदान कर सकती है ऋण के माध्यम से, एक सब कुछ करना अपने को ही होता है, ऋण दे सकती है। अब कमलनाथ जी तो ठगी कर रहे हैं, कहाँ से ऋण दे देंगे? तो ऋण की कोई बात ही नहीं है। आपको कितना ठग लिया, छिंदवाड़ा को कितना ठग लिया, ठगी कर रहे हैं। बिल्कुल कोई लोन अवेलेबल नहीं थे उनके समय में। अभी रोजगार के लिए स्व सहायता से अगर लोन लेना चाहें तो लोन मिल जाएगा 4-5 लाख रुपए का, उससे आप बिजनेस खोल सकते हैं, जो कुछ करना कर सकते हैं। पर कांग्रेस की सरकार में तो बिल्कुल नहीं था। 70 साल उनने राज किए, ये सब योजनाएं पहले बन सकती थी, ये सब गणित पहले लगाया जा सकता था, आज से 70 साल पहले लगाया जा सकता था कि जो पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ेगी, 70 साल पहले जब बढ़ेगी तो उसके हिसाब से क्या करना है भाई, पहले बनाया जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कांग्रेस के शासनकाल में, तो हम तो कांग्रेस के कट्टर हैं, विरोधी। अच्छा, ऐसा है, विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। कहां तक पढ़े हैं? मैं तो एमकॉम किया हूँ। एमकॉम किए हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ये कमलनाथ जी के जिले छिंदवाड़ा की जो गढ़ है उसके, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ जी के शासन में अगर वो 43 साल से यहाँ है तो मैं तो बेरोजगार हूँ ना भाई। अगर उनने इतने स्किल सेंटर खोले हैं, सब कुछ किया, तो मैं तो बेरोजगार हूँ। मुझे उनका कुछ नहीं मिला अब तक, कोई लाभ नहीं मिला उनका, न उनने कुछ नहीं करवाया। उनने वो बोलते हैं कि बस यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमारे साथ तो आज तक वैसा नहीं हुआ है। रोजगार में किसी फैक्ट्री में कोई रोजगार नहीं है, सब कमीशन है उनका, पूरा कमीशन वाले लड़के जाते हैं उनके, अपने वाले लोग जो जाते हैं उनके, जो नेता है 43 साल से। आप बोल रहे हैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी 43 साल से वो कर रहे हैं, किसकी बदौलत कर रहे हैं? कुछ तो लोग हैं जो उनके पीछे हैं, जो उनके तलवे चाटते हैं। अब उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे?
तो वो लोग उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो वो आके चिल्लाते हैं कि मेरी कंपनी में इतने लड़के छिंदवाड़ा के हैं, ऐसा है वैसा है, ये रोजगार है वो रोजगार है। गरीब आदमी को कुछ नहीं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। निश्चित तौर पे 43 साल में उनने जो पहचान बनाए हैं कमलनाथ जी ने, उनके जो लोग हैं, जो उनके तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो उनके कमीशन खोर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उन कंपनियों में काम कर रहे हैं। बाकी गरीब का कोई लड़का ऐसा नहीं है। हमारे गाँव में आप पूछ लीजिए, पूरा उधर मतलब बहुत बड़ा गाँव है हमारा, कि कोई गरीब का लड़का कमलनाथ जी की फैक्ट्री में काम करता हो या कमलनाथ जी की फैक्ट्री कहाँ है उसको कोई लिंक पता है कि कमलनाथ जी का जो रोजगार है वो मिलता कहाँ है, या यहाँ के जो हमारे स्थानीय नेता है वो हमको बता दे आके कि कहाँ से रोजगार मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। नकुल नाथ जी हमारे गाँव में अभी 8 दिन पहले आए थे, तो उनकी जो इनोवा से आए थे वो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट रुकी, 1 से 1.5 मिनट भी नहीं रुकी और सीधे ऐसे निकल गए गाँव से। तो चुनाव के समय में इसके पहले कब आए थे वो कमलनाथ जी हमारे यहाँ, कब आए? 5 सालों कभी नहीं आए। आपका क्या नाम है भाई? रोहित साहू। रोहित साहू। रोहित साहू जी, क्या पढ़े हैं? कितना पढ़े हैं? 10th। 10th पढ़े हैं जी। क्या उम्मीद है आगे? ये तो कह रहे हैं एमकॉम कर लिया मैंने, मुझे तो कुछ मिला नहीं है, आपको तो मिल ही जाएगा ना। कमल जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी महामारी आई थी 2 साल पहले, 2 साल की महामारी थी। आप जो बताइए, विधायक है, सांसद है, सब है, उसके बाद भी छिंदवाड़ा के लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है उनके पास, क्यों नहीं है? इतना पूछना चाहता हूँ मैं कमलनाथ जी से, छिंदवाड़ा में 2 साल की महामारी के लिए क्यों नहीं आए? छिंदवाड़ा में इतनी कोरोना महामारी आई थी और वो छिंदवाड़ा का बेटा है विवेक बंटी साहू, जी जान लगा के मेहनत करके बुजुर्गों तो कमलनाथ जी है यहाँ के 43 सालों से। आप बंटी साहू बंटी भैया है, कमलनाथ जी का इस बार सपना साफ है, हाँ इतिहास बदलेगा इस बार 43 साल का इतिहास बदलेगा जी बिल्कुल। 43 सालों में बदल दिया उन्होंने पूरा छिंदवाड़ा आपका। अब तो कुछ नहीं होगा, एक भी कंपनी नहीं खुली छिंदवाड़ा जिले में। हाँ। आप बताइए, उनकी 42 कंपनी है, 22 कंपनी है। हाँ। आप बताइए छिंदवाड़ा में एक भी फैक्ट्री खुली होगी तो? अच्छा। बेरोजगार युवाओं के लिए। अच्छा। हाँ। एक भी फैक्ट्री नहीं खुली जी, बिल्कुल नहीं, कोई रोजगार नहीं जी, नहीं। यूनिवर्सिटी कितनी दी? एक भी नहीं दी है ना, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं दिए। यहाँ तो 43 साल में खोल के खा गए जनता को, बेबू कर्जा बांध भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए उनने। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? प्रशांत उसरेठी नाम है। प्रशांत उसरेठी जी। आप बताइए प्रशांत जी, क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं? मैंने तो 12वीं पास हूँ और अभी तो खेती बाड़ी में लगे। क्या रोजगार दिया कमलनाथ जी? रोजगार तो कुछ है नहीं उनका, क्योंकि कंपनी है ही नहीं ना उनकी यहाँ पर। अच्छा। जो भी है अपने को करना पड़ता है। अच्छा। हम बीजेपी का समर्थन इसलिए करते हैं कि उनने काम करके दिखाए हैं, काम करे हैं इसलिए उनका समर्थन है, और काम नहीं करते तो ऐसे ही गली गली पे नहीं आते वो, ऐसा उनका है। और अरे बताइए ना, बेचिंत हो के बताइए भैया, इस बार क्या लग रहा है गढ़ में? अब गढ़ में इस बार तो बंटी भैया जी बिल्कुल, यानी मामा मामा ने क्या दे दिया? मामा ने ही तो दिया है सब। क्या दिया है भैया? हमको मकान मिला है, ठीक है, मकान मिला है। हमारे पिताजी किसानी करते हैं, बकायदा उनको सम्मान निधि का जो लाभ आता है बकायदा समय से आता है, ठीक है। हमारी मम्मी जो है हाउस वाइफ है, बिल्कुल उनको 1000 रुपये महीने का मिल रहा है लाडली बहना के अंतर्गत। और जो भी हम हमारा जो 5 लाख रुपये जेब में रखा हुआ है, जो भी बीमार यदि हो रहे हैं हम, हमारा 5 लाख रुपये लगा रखा हुआ है। अभी तक कांग्रेस शासन में जो था, हमारे यहाँ की जो कंडीशन है, जैसे आप बीमार हुए तो आपको किसी नेता के पैर पड़ना पड़ता था कि भैया हमारे घर में बीमार हो गए हैं और आप मदद कर दो, तो वो 5-10 हज़ार रुपये की मदद करते थे पहले। आज की कंडीशन ये है कि एक छोटे से बच्चा भी है और बुज़ुर्ग भी है, तो उसके लिए जो कार्ड बना है बीमारी का, तो बिल्कुल उसका लाभ मिल रहा है। 2-5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, हमारे चाचा का इलाज हुआ है उसमें, बिल्कुल। भाजपा सरकार ने सोना बरसा दिया युवाओं पे, बिल्कुल बिल्कुल सोना बरसा है। तो भैया युवाओं को किस पे विश्वास है? कमलनाथ जी पे विश्वास है, मामा पे विश्वास? मामा आएगा इस बार, भांजे मामा आएंगे, कोई नहीं रोक सकता मामा को इस बार, फिक्स आएगा मामा जी। रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे ना, रोकते तो 15 महीने सरकार क्यों गिरी फिर? क्यों गिरी सरकार? क्यों गिरी सरकार? अगर उनके पास में सरकार चलाने का होता तो उनको तो दी थी मौका, अपने घर को नहीं संभाल पाए और फिर से दोबारा मांग रहे मौका, फिर से सरकार गिर के तो क्या करेंगे?
दोबारा मौका कैसे दे सकते हैं आप बताओ। छिंदवाड़ा तो मौका देगा भैया, देरी के प्रदेश ना दे, छिंदवाड़ा देगा मौका। हमारे गांव में पहले नल जल योजना नहीं थी, 43 साल में लोग हैंडपंप से पानी लेके आते थे कुएं से, 43 साल में हर घर तक योजना जो नल की जो अपने मोदी जी ने पहुँचाई। वायती पर छिंदवाड़ा मौका देगा नहीं देगा, क्यों देगा, किस कारण देगा, क्या रह गया? कमलनाथ जी के जो बेटा कहते हैं, आप कह रहे हैं कि बेटा है छिंदवाड़ा का, 2 लाख वोट से कमलनाथ जी जीते, 3 लाख वोट से कमलनाथ जी जीते, पिछले बार क्यों 25,000 रुपए लाए वोट? क्योंकि अब वो समय खत्म हो गया, गांव में देश में प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा वातावरण फैलाए हैं कि कोई किसी से दबावश नहीं है। वो समय गया 2 लाख वोट का और 3 लाख वोट का चला गया। पहले नल जल योजना चनिया कला में डेढ़ डेढ़ दो दो महीने बंद रहती थी, यहाँ के लोगों से आप पूछिए कि इस बार नल जल योजना कैसी चल रही है। हाँ भैया, नल जल योजना कैसी चल रही है बता दीजिए जरा। बढ़िया चल रही है, एक नंबर चल रही है। अच्छा।